अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? हाउ आर यू बेटा? हाउ आर यू रुमैसा? आई एम फाइन, थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर आस्किंग. यस, वेलकम टू tutrick.com. वेलकम बेटा, होप सो इट्स हेल्पिंग यू आउट. चले, जिन जिन बच्चों ने बेटा अभी अभी ज्वाइन किया है उनको मैं बता देती हूँ. दिस इज द ट्यूट्रिक विच इज प्रोवाइडिंग फ्री स्टडीज. इट्स द फ्री स्टडी प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ मैट्रिक, ओ लेवल्स, एफएससी एंड ए लेवल्स. आप इनको ज्वाइन करें, और जिन स्टूडेंट्स को बेटा ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है और उनको रजिस्ट्रेशन का नहीं आइडिया हो रहा कि उन्होंने अपने आप को कैसे रजिस्टर करना है, तो उनको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ. आपने बेटा विजिट करना है www.tutrick.com, और tutrick.com पर जाकर आपने बेटा रजिस्टर करना है, लॉग आउट करना है, राइट, अपना अकाउंट क्रिएट करना है. और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको रेलेवेंट अपने ग्रुप को ज्वाइन करना है. डिफरेंट ग्रुप्स आपको मिलेंगे, एफएससी के, मैट्रिक के, ओ लेवल्स के, ए लेवल्स के. आपने उन ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, और ग्रुप्स को ज्वाइन करने के बाद यू विल फाइंड आउट दैट देयर विल बी डिफरेंट क्लासेस फॉर डिफरेंट लेवल्स. तो आपने बेटा उन क्लासेस को ज्वाइन करना है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स. जब हम उन क्लासेस को ज्वाइन कर लेंगे तो उसमें बेटा आपको उसका जो स्केड्यूल है क्लासेस का या टाइमिंग्स है वो आपको मिल जाएंगी. अगर चेंज होती है तो वो भी आपको मिल जाएंगी. अगर उसमें कोई वर्कशीट्स या नोट्स अपलोड होते हैं तो वो भी आपको जो है ईमेल के थ्रू नोटिफाई किया जाएगा, राइट. और ठीक है, आप इसको बेटा ज्वाइन करें, इसे फायदा उठाएं और इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स में कोई भी स्टूडेंट्स हैं, ताकि वो भी बेटा इस फ्री स्टडी प्लेटफॉर्म से फायदा उठाएं, राइट. जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनको भी बेटा मैं बता देती हूँ. आई एम मिस पाश्रव एंड आई विल बी टेकिंग बायोलॉजी क्लासेस फॉर ओ लेवल्स फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन ओ लेवल्स 2022. हमने बेटा एक रिवीजन स्टार्ट की हुई है, क्विक रिवीजन, और इसमें हमने जो है कोऑर्डिनेशन तक हमने रिवाइज कर लिया है सिलेबस को. साथ साथ हम पेपर्स भी करते हैं, और फर्स्ट जो हमारा इसमें प्लान है दैट इज टू रिवाइज द चैप्टर्स. उसके बाद हमने बेटा इसके पास पेपर्स भी करते हैं, ठीक है. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन लेट अस नो इन द फीडबैक, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं. अगर इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन बेटा लेट अस नो थ्रू द चैट बॉक्स, ठीक है. आपके हम प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे, या किसी और भी आप फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी आप हमें दे सकते हैं. इन द एंड आफ्टर रिवाइजिंग दिस हमने बेटा पास्ट पेपर सेशन करना है, तो होप सो दैट विल बी प्रोडक्टिव फॉर यू. तो आप क्लासेस को ज्वाइन करें. अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग्स देखना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो लेट अस नो इन द फीडबैक सेक्शन, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, या कुछ अर्से तक वो प्रोवाइड होंगी आपको ऑन दिस वेबसाइट या इसकी जो ऐप होगी उसमें आपको बेटा प्लेबैक्स भी मिल जाएंगे, राइट. हमने बेटा कोऑर्डिनेशन स्टार्ट किया हुआ था, और ऑलमोस्ट हाफ जो था हमने आई को लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था, ठीक है. कुछ टॉपिक्स रह गए थे वो हम आज करेंगे, और इसके साथ साथ हम पेपर इसके पेपर टू भी सॉल्व करेंगे, राइट. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर लिया था, और बेटा हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे थे. इंटरनल स्ट्रक्चर में आप देखें यहाँ पर, अच्छा ठीक है बेटा, हमने लेंस कंप्लीट कर लिया था. लेंस जो है इट इज कनेक्टेड टू द सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ठीक है. दीज आर द कनेक्टिव टिश्यूज, ये जो आपको थ्रेड लाइक नजर आ रहे हैं, एंड दी सस्पेंसरी लिगामेंट्स आर सस्पेंडिंग द लेंस इन द सेंटर, एंड एट वन साइड दे आर कनेक्टेड टू द लेंस, और जो दूसरी साइड पर होते हैं दे आर कनेक्टेड टू द सिलरी मसल्स, ठीक है. ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और सिलरी मसल्स जो है ये भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, एंड दे कंट्रोल द थिकनेस ऑफ द लेंस. इसको हमने लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है. अच्छा, इसके बाद जो हमारे स्ट्रक्चर्स रह गए थे विच वी हैव टू डिस्कस टुडे, जो थर्ड लेयर है, ठीक है. हमने टू लेयर्स को डिटेल में डिस्कस कर लिया था. थर्ड लेयर जो है उसको बेटा हम आज करते हैं. थर्ड लेयर जो है दिस इज द रेटिना, ठीक है. कैन यू सी दिस थर्ड वन, दिस वन इनर मोस्ट जो है तीसरी लेयर है आई की, दिस इज नोन एज द रेटिना. और रेटिना के ऊपर बेटा क्या होते हैं, इट हैज सम फोटो सेंसिटिव सेल्स, और फोटो सेंसिटिव नाम से पता चलता है दैट दे आर सेंसिटिव टू लाइट, राइट. अच्छा, इसमें जो है फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं, एक रोड्स हैं,
ठीक है, और दूसरे जो है कोन्स है, दीज टू फोटो सेंसिटिव सेल्स आर प्रेजेंट, दीज आर सेंसिटिव टू लाइट एंड दीज आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड डिम लाइट। जो रोड्स हैं बेटा, दीज आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। डिम लाइट जैसे लाइट बहुत कम होती है शाम को ये एक्टिवेट होते हैं, या रात को, ठीक है, जब लाइट बहुत कम होती है देन दीज रोड्स आर एक्टिवेटेड। रोड्स के अलावा आप कोन्स देखिए, कोन्स कब एक्टिवेट होते हैं, जब ब्राइट लाइट होती है, ड्यूरिंग डे लाइट जो है दीज कोन्स आर एक्टिवेटेड। दिन के वक्त कोन्स एक्टिवेट होंगे, रात के वक्त रोड्स एक्टिवेट होंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये जो बेटा रोड्स और कोन्स हैं ये कैसे हेल्प आउट करते हैं इन फॉर्मिंग द इमेज। ये फोटो सेंसिटिव सेल्स है, ठीक है, तो ये कैसे हेल्प आउट करेंगे। रोड्स जो है बेटा, रोड्स सेल्स के अंदर एक पिगमेंट होता है विच इज नोन एज द रोडोप्सिन, ठीक है, रोडोप्सिन, या हम इसको विजुअल पर्पल भी बोलते हैं। और ये जो बेटा पिगमेंट होता है रोडोप्सिन, दिस हेल्प्स अस इन विजन इन डिम लाइट, ठीक है। अब ये रोडोप्सिन जो है, हाउ इट इज सिंथेसाइज्ड, दिस इज सिंथेसाइज्ड इन डिम लाइट, ठीक है, और डिम लाइट में ये सिंथेसाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन ए, राइट। रोडोप्सिन इज सिंथेसाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन ए, और जब ये रोडोप्सिन सिंथेसाइज होगा तो इट विल हेल्प अस सी इन डिम लाइट, ठीक है। अगर रोडोप्सिन नहीं होगा तो हम डिम लाइट में नहीं देख सकते, ठीक है, और रोडोप्सिन होगा तो वी विल बी एबल टू सी इन द डिम लाइट, एंड दिस इज सिंथेसाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन ए, ठीक है। अच्छा, अब ड्यूरिंग डे क्या होता है, ड्यूरिंग डिम लाइट रोड्स जो है दे हैव द पिगमेंट रोडोप्सिन एंड दिस इज सिंथेसाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन ए। जब ये सिंथेसाइज होता है तो देन वी आर एबल टू सी इन द डिम लाइट, और इसको बेटा सिंथेसाइज होने में कुछ टाइम लगता है। जैसे आप देखें डिम लाइट में आप एंटर हुए हैं रात को, या रूम में आप देखें कि एकदम से जब लाइट जो है दैट इज टर्नड ऑफ, तो उसमें आप देखें ऑन द स्पॉट इमीडिएटली यू आर अनएबल टू सी थिंग्स, इमेज नहीं बन रहा होता और आपको क्लियरली जो है कुछ नजर भी नहीं आ रहा होता। सो व्हाट हैपेंस कि ये जो विजुअल पर्पल है इट टेक्स सम टाइम टू बी सिंथेसाइज्ड, इसको कुछ टाइम लगता है, फ्यू सेकेंड्स आप कह लें, ठीक है, या कुछ मिनट्स आप कह लें, इसको लगता है सिंथेसाइज होने में। वंस दिस इज सिंथेसाइज्ड, जब ये सिंथेसाइज हो जाता है तो देन वी आर एबल टू सी इन द डिम लाइट, ठीक है। अच्छा, जब आप ब्राइट लाइट में आते हैं ड्यूरिंग डे आप कर रहे हैं या लाइट आप ऑन करते हैं, तो देन व्हाट हैपेंस, जो रोडोप्सिन है विच वाज सिंथेसाइज्ड इन द डिम लाइट वो ओवरऑल कंप्लीटली जो है बेटा ब्लीच आउट हो जाता है, ठीक है, एंड व्हेन इट इज ब्लीच्ड देन यू आर नॉट एबल टू सी इन द डिम लाइट। इसका ऑपोजिट होता है बाय कॉन्स, ठीक है, ब्राइट लाइट में जो है दिस इज ब्लीच्ड और डिम लाइट में दिस इज सिंथेसाइज्ड, और इसके सिंथेसिस के लिए विटामिन ए इज रिक्वायर्ड। अगर विटामिन ए की बेटा डेफिशिएंसी हो जाती है तो देन यू आर नॉट एबल टू सी इन डिम लाइट, ठीक है, तो विटामिन ए जो है दैट कैन हेल्प यू इन फॉर्मेशन ऑफ द रोडोप्सिन, और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से व्हाई यू आर नॉट एबल टू सी इन द डिम लाइट, रीजन इज के रोडोप्सिन जो है वो सिंथेसाइज नहीं हो रहा होता। अच्छा, अब बेटा दूसरी टाइप ऑफ सेल्स देखें विच आर प्रेजेंट इन टू दिस रेटिना इनर मोस्ट लेयर। दूसरे टाइप के सेल्स हैं, दीज आर द कोन्स, और कोन्स जो है बेटा दीज आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, ब्राइट के अलावा दीज आर ऑल्सो सेंसिटिव टू कलर विजन। ये जो हमें डिफरेंट कलर्स नजर आते हैं दे आर बिकॉज ऑफ द कोन्स, और कोन्स जो है दे आर फर्दर ऑफ थ्री टाइप्स and each one of these three types is sensitive to one of the three primary colors. One is responsible for red, one is responsible for blue, and one is responsible for green. ठीक है, इनके names भी हैं, इतने detail is not required, तो जितना हमारा syllabus है हम उसको ही वहां तक ही restrict रहेंगे, ठीक है। इसके बेटा जो three types हैं, one of them is responsible to one of the three primary colors, एक red के लिए होता है, एक ग्रीन के लिए होता है, और एक ब्लू के लिए होता है, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी कॉन्स मिसिंग है, रेड की मिसिंग है, तो यू विल नॉट बी एबल टू सी द रेड कलर, या जो रेड के कॉम्बिनेशन से कलर्स बनते हैं यू विल नॉट बी एबल टू सी दोस कलर्स। इसी तरह अगर आप ग्रीन मिसिंग है, ठीक है, ग्रीन के कॉन्स जो है दे आर डिफेक्टिव और दे आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, तो यू वॉन्ट बी एबल टू सी द ग्रीन कलर,
या जो ग्रीन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा अब ये जो है, ठीक है, कलर दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राइट लाइट एंड कलर विजन। और इसमें भी कोन्स में भी बेटा ऐसे ही होता है, दे ऑल्सो सिंथेसाइज अ पिगमेंट। जैसे रोड्स रोडोप्सिन सिंथेसाइज करते हैं, इसी तरह कोन्स जो है दे ऑल्सो सिंथेसाइज अ पिगमेंट जिसको हम आयडॉप्सिन बोलते हैं। दिस इज नोन एज द आयडॉप्सिन। ठीक है, इट्स नोन एज आयडॉप्सिन। और आयडॉप्सिन को सिंथेसाइज होने के लिए भी वाइटामिन ए की बेटा जरूरत होती है। ठीक है, और इनकी डेफिशिएंसी से जो है डिजीज हो जाती है, विच इज नोन एज द कलर ब्लाइंडनेस, दैट पर्सन इज नॉट एबल टू सी द कलर्स। इसी तरह रोड्स जो है, अगर ये बेटा डिफेक्टिव है, ठीक है, रोड्स डिफेक्टिव है या रेडॉप्सिन सिंथेसाइज नहीं हो रहा या देर इज डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन ए, तीन की डेफिशिएंसी से, ठीक है, इफ द रोड्स आर डिफेक्टिव, ठीक है, रेडॉप्सिन इज नॉट बीइंग सिंथेसाइज्ड और देर इज डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन ए, तो बेटा इट कैन ऑल्सो लीड टू अ डिजीज विच इज नोन एज द नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस एंड पर्सन इज नॉट एबल टू सी इन डिम लाइट या रात। क्या आपने देखा होगा कुछ लोगों को जो है बेटा जैसे ही शाम होती है दे नॉट एबल टू सी, ठीक है, वो जो है दे कैन हैव अ जेनेटिक डिफेक्ट इन द रोड्स और इन सिंथेसाइजिंग रोडोप्सिन और देर कैन बी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। अच्छा, इसके अलावा जो है, ठीक है बेटा, वी हैव डन दिस द थर्ड लेयर। थर्ड लेयर में ये दो चीजें होती है रेटिना में, देर आर द रोड्स एंड द कोन्स प्रेजेंट, इसको हमने कर लिया है। दिस कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ सेल्स, वन आर द रोड्स एंड अदर आर द कोन्स, ये दो सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब ये बेटा लेंस देखिए, दिस इज द लेंस। लेंस के एग्जैक्टली ऑपोजिट, कैन यू सी, ठीक है, एग्जैक्टली आप ऑपोजिट देखिए, ये वाला ऑपोजिट यहां तक आप देखें, दिस वन, देर इज द फोविया प्रेजेंट और इट्स नोन एज द मैक्यूला सेंट्रालिस। इसको, ठीक है, मैक्यूला सेंट्रालिस भी बोलते हैं या फोविया भी बोलते हैं और इट्स ऑल्सो नोन एज द येलो स्पॉट, इसको हम येलो स्पॉट भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, येलो स्पॉट में बेटा क्या होता है, येलो स्पॉट दिस कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ कॉर्न्स। येलो स्पॉट में क्या होता है, इट हैज मोर कॉर्न्स और लार्ज नंबर ऑफ कॉर्न्स आर प्रेजेंट। अभी हमने देखा है रोड्स और कॉर्न्स जो है दे आर द फोटो सेंसिटिव सेल्स, राइट, और ये बेटा कॉर्न्स जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन इन द ब्राइट लाइट। अच्छा, अब यहां पर आप देखें ब्राइट लाइट होगी तो कॉन्स मतलब देयर आर द कॉन्स, तो कॉन्स की वजह से कॉन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट और ब्राइट लाइट की वजह से शार्प और क्लियर इमेज बनेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है इट हैज लार्ज नंबर ऑफ कॉन्स और कॉन्स की वजह से क्या होता है, दे आर सेंसिटिव टू, कॉन्स आर सेंसिटिव, दे आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, राइट, और ब्राइट लाइट की वजह से दे विल फॉर्म अ शार्प इमेज, यस, ठीक है, शार्प इमेज इज फॉर्म्ड एट रेटिना। ठीक है, अच्छा, अब ये वाला जो पॉइंट है फोविया, यहां पर बेटा मैक्सिमम कोन प्रेजेंट है और कोन जो है दे आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, अभी हमने देखा है, तो ब्राइट लाइट की वजह से व्हाट विल हैपन, यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, शार्प होगा, एक ये चीज। अच्छा, इसके बाद दूसरी आप देखें, कैन यू सी हेयर, हेयर इज द ब्लाइंड स्पॉट, ये देखें आपको यहाँ पर जो है दिस इज द पॉइंट जहां से नर्व्स बेटा एंटर होती हैं और दे लीव द आई, ये वाला देखें, ठीक है, यहां से नर्व्स एंटर हो रही होती है इनटू आई और दे आर लीविंग द आई, दिस इज द, दीज आर द ऑप्टिक नर्व्स और ऑप्टिक नर्व जिस पॉइंट से एंटर होती है इंटू द आई दैट इज द, ये जो आपको यहाँ पर ब्लैक नजर आ रहा है, दिस इज द पॉइंट एट विच द ऑप्टिक नर्व्स एंटर और लीव द आई, दिस इज नोन एज द ब्लाइंड स्पॉट, ये वाला ब्लाइंड स्पॉट है। ठीक है, हम इसको ऑप्टिक डिस्क एरिया भी बोलते हैं। व्हाट इज द ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट बेटा वो एरिया है विच हैज नो फोटो सेंसिटिव सेल्स। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है, ब्लाइंड जो है
अच्छा, इफ इट कम्स फॉर 2 मार्क्स तो हमने इसको कैसे लिखना है? इसमें बेटा हमने लिखना है एज दिस इज द, अच्छा, ब्लाइंड स्पॉट, इट इज दैट पॉइंट. एक तो हम बताएंगे ब्लाइंड स्पॉट वो वाला पॉइंट है, नर्व्स एंटर और लीव आई, एक तो ये पॉइंट है, ठीक है. दूसरा आप देखें, ये जो बेटा ब्लाइंड स्पॉट है, इट डू नॉट हैव ब्लाइंड स्पॉट, इट हैज नो फोटो सेंसिटिव सेल्स, एंड इफ इट लैक फोटो सेंसिटिव सेल्स, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, बिकॉज ऑफ नो फोटो सेंसिटिव सेल्स नो इमेज will be formed or is formed at this point. ठीक है, अच्छा ये हो गया, ये वाला पॉइंट है, ठीक है. और why there are no photosensitive cells present, because ये बेटा वो पॉइंट है जहां से नर्व ने एंटर होना है और लीव करना है आई को, सो photosensitive cells जो है उसकी यहाँ पर जरूरत नहीं होती. क्लियर हो गया. अच्छा अब जो है आप देखें, ये वाला पॉइंट हो गया, लेट मी रेज दिस, और जो बाकी हमारा रिमेनिंग है हम उसको देखते हैं. अच्छा ये हमने डिटेल में कल स्टडी कर लिया था, ठीक है. तो हम जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसको हम देखते हैं. अच्छा अब बेटा आप देखें कि ये वाला, यस, अब आप देखें कि आई विल हाईलाइट दिस, ये जो लेंस से फ्रंट पर पार्ट है, दिस वन, ये जितना भी चैम्बर है जिसके अंदर हमने आयरिस किया था, ठीक है, पिपल किया था, दिस होल पार्ट, ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, द पार्ट बिटवीन द लेंस एंड द कॉर्निया, कॉर्निया क्या थी, दैट वाज द ट्रांसपेरेंट लेयर विच वाज फॉर्मड फ्रॉम स्क्लेरा एट द फ्रंट, कॉर्निया. ये जो ग्रीन बेटा मैंने पार्ट हाईलाइट किया है विच इज बिटवीन द लेंस एंड द कॉर्निया, इस पार्ट को हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज द इंटीरियर चैम्बर. दिस इज, ये जो बिटवीन में पार्ट है, दिस पार्ट इज द इंटीरियर चैम्बर, इसको हम इंटीरियर चैम्बर बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है. अच्छा और इंटीरियर चैम्बर के अंदर क्या होता है, इंटीरियर चैम्बर हैज अ लिक्विड प्रेजेंट विच इज ट्रांसपेरेंट, और उसको हम एक्वासिमर बोलते हैं, ठीक है. ये देखें इंटीरियर चैम्बर है, ठीक है. इंटीरियर इज विच इज प्रेजेंट एट द फ्रंट विच इज बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस, या इसको बेटा हम एक्वस चैम्बर भी बोलते हैं. इट हैज टू नेम्स, इंटीरियर चैम्बर और एक्वस चैम्बर, ठीक है. और इसमें क्या होता है, इट हैज द एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर इज द लिक्विड, ठीक है. और ये बेटा क्लियर लिक्विड होता है. क्लियर क्यों होता है, बिकॉज इट हैज टू ट्रांसमिट लाइट. अगर ये क्लियर नहीं होगा, क्लाउडी होगा, तो लाइट जो है वो ट्रांसमिट नहीं होगी, वो क्या होगी, वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, बेंड हो जाएगी. तो ये जो है, दिस इज क्लियर टू अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट. इसी तरह और हम पीछे देखते हैं. अच्छा ठीक है, ये फ्रंट पर मैंने आपको बताया, दिस इज द इंटीरियर चैम्बर, इट हैज द लिक्विड विच इज द एक्वस ह्यूमर. बैक साइड पर देखें, जो बेटा स्पेस है बिटवीन द लेंस, ये वाले देख रहे हैं, लेंस से लेकर ये बैक ऑफ द रेटिना तक, द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना, दिस इज नोन एज द विट्रस चैम्बर. आप देखें, ठीक है, इसको हम विट्रस चैम्बर बोलते हैं. और यहां से लेकर यहां तक जो है, दिस इज नोन एज द एक्वस चैम्बर, एक्वस बोलते हैं यहां हम उसको, इंटीरियर भी बोलते हैं, ठीक है. द पार्ट विच इज बिटवीन द आयरिस एंड द कॉर्निया, फ्रंट पर है, दिस इज द इंटीरियर. और पोस्टीरियर जो है विच इज बिटवीन द आयरिस एंड द लेंस, बट कलेक्टिवली हम उसको क्या कहते हैं, दिस इज द एक्वस चैम्बर. इसमें जो लिक्विड है दैट इज क्लियर. क्लियर क्यों है, बिकॉज इट हैज टू ट्रांसमिट इम्पल्सिस, दैट्स व्हाई इट इज क्लियर. अगर ये क्लियर ना हो तो व्हाट विल हैपन, जो इम्पल्सिस हैं वो बेटा जो लाइट रेज हैं वो बेंड हो जाए, ठीक है, लाइट रेज उन्होंने पास करना होता है. अच्छा पीछे आप देखें, द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना, इसको हम बोलते हैं दिस इज द विट्रस चैम्बर. और इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट है दैट इज द विट्रस दिस इज द विट्रस ह्यूमर. और ये जो बिटा लिक्विड है, दिस इज एक्चुअली जेली लाइक,
जेली लाइक और ट्रांसल्यूसेंट भी हम इसको कहते हैं। दिस इज जेली लाइक लिक्विड। अच्छा व्हाई दिस इज जेली लाइक, ये इसलिए बेटा जेली लाइक है बिकॉज इट हैज टू रिफ्रैक्ट और बेंड द लाइट एज द फोविया। यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर इमेज बनता है फोविया के ऊपर। इट हैज टू बेंड द लाइट रेज, लाइट रेज बेंड होने के लिए ये जो पीछे फ्लूइड है दिस इज एक्चुअली जेली लाइक। ठीक हो गया। अच्छा अभी जो है एक मिनट की बेटा हम अजान ब्रेक लेते हैं और उसके बाद जो है हम रिमेनिंग पार्ट इसको करते हैं। चले बेटा ठीक है, हमने ये विट्रस ह्यूमर भी कर लिया है। दिस इज अ जेली लाइक सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन द विट्रस चैम्बर बिटवीन द लेंस एंड द फोविया या रेटिना। ठीक है, और ये जो है बेंड करता है, दिस इज जेली लाइक बिकॉज इसने क्या करना होता है, लाइट रेज को बेंड करना होता है। ये पॉइंट भी हमारा हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है बेटा, वी हैव डिस्कस्ड द स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं इसका फंक्शन। फंक्शन बेटा आई का क्या है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। अब इमेज कैसे बनेगा, या हम चले यहीं से ही हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा इमेज फॉर्मेशन के लिए, या बेटा हम फोकसिंग किसको बोलते हैं, फोकसिंग हम बोलते हैं जब लाइट रेज कन्वर्ज होती हैं या मीट होती हैं एट दिस पॉइंट येलो स्पॉट या फोविया के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर होंगी, यहाँ पर क्यों होती है, बिकॉज इट हैज लार्ज नंबर ऑफ कॉन्स एंड द शार्पेस्ट इमेज इज formed here। अच्छा अब light rays जो है, light rays बेटा इस तरह आएंगी parallel। ठीक है, function भी हम साथ साथ थोड़ा सा देख लेते हैं। ये parallel light rays आएंगी। light rays जो है they will hit this cornea। जो cornea है इसको light rays hit करेंगी। As the cornea is transparent, so it will allow the light rays to pass through it। अच्छा उसके अलावा बेटा आप देखें, this is transparent और ये क्या करेगा, light rays को परमिट करेगा, उसके साथ साथ ये लाइट रेज को थोड़ा सा बेंड भी करेगा। ठीक है, आप ये देखिए, थोड़ा सा लाइट रेज को ये बेंड भी करेगा ऐसे, ये लाइट रेज को क्या करेगा, ये परमिट करेगा बिकॉज दिस इज ट्रांसपेरेंट, और ये थोड़ा सा बेंड करेगा लाइट रेज को ताकि लाइट रेज बेटा पास हो फ्रॉम दिस होल इन द सेंटर विच इज द प्यूपल। यहां से पास होंगे लाइट रेज हिट करेंगे लेंस को। अब लेंस जो है, लेंस ने बेटा क्या करना है, लेंस ने इमेज को फोकस करना है एट दिस पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर इमेज को फोकस करना है, तो इस पॉइंट पर इमेज को फोकस करने के लिए लेंस क्या होगा, लेंस बेटा ब्रॉड होगा या थिन होगा। ठीक है, ब्रॉड और थिन में सस्पेंसिव लिगामेंट्स और सिल्वी मसल्स जो है ऑपोजिट फंक्शन करते हैं। आप देखें कि जब ये इसमें थिन होना है, जब आप देखें कि फार ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, दूर आप किसी चीज को देख रहे हैं उसका इमेज जो है दैट हैज टू बी फॉर्म्ड ऑन दिस फोवा, तो तब क्या होगा, उसमें जो है लाइट रेज आर मैक्सिमम पैरेलल। ठीक है, दूर से इमेज बन रहा है तो लेंस जो है दैट शुड बी थिनर। जी हमने वैसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इट शुड बी थिनर एंड लॉन्गर। तो थिन और लॉन्ग होने के लिए सस्पेंसरी लिगामेंट्स ये विल दे विल कॉन्ट्रैक्ट, और सिल्वी मसल्स क्या करेंगे, ये रिलैक्स करेंगे, लेंस विल बिकम थिनर एंड लॉन्गर। अच्छा थिनर और लॉन्गर की वजह से जो लाइट रेज है वो एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर मीट करेंगी।
ठीक है, इस पॉइंट पर मीट करने के लिए ये जो लेंस है इसकी बेटा थिकनेस जो है वो एडजस्ट होती है फॉर फोकसिंग द इमेज एट दिस पॉइंट। इसी तरह अगर आप नियर ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो नियर ऑब्जेक्ट में जो लेंस है इट विल बिकम मैक्सिमम थिक, सो द इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट फोविया, या लाइट रेज जो है वो बेटा इस पॉइंट के ऊपर मीट करे। ठीक है, थिकनेस एडजस्ट होगी अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, आप कौन से डिस्टेंस को देख रहे हैं, और इस तरह जो है दिस इज द पाथ वे विच इज फॉलोड बाय द लाइट रेज। जब लाइट रेज पास होती है तो पाथ वे क्या है, फर्स्ट दे विल हिट द कॉर्निया, कॉर्निया उसको रिफ्लेक्ट करेगा, बेंड करेगा लाइट रेज को, दे विल पास फ्रॉम दिस पिपल, देन दे विल हिट द लेंस, एंड लेंस क्या करेगा, इट विल बिकम थिक और थिन अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट, और फिर ये इमेज को फोकस करेगा या लाइट रेज को मीट करेगा एट दिस। अच्छा, कुछ जो है बेटा लेंस जो है वो लाइट रेज को कन्वर्ट करता है, इस तरह बेंड करता है, और बाकी जो इसके अंदर वी हैव स्टडीड एट दिस प्लेस और इन टू द विट्रस चैम्बर दैट देयर इज विट्रस लिक्विड प्रेजेंट, राइट, विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट विच इज जेली लाइक, फर्दर जो है वो भी बेटा दे ऑल्सो हेल्प इन बेंडिंग और रिफ्रैक्टिंग द लाइट रेज एट दिस फोविया, ये भी हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, लिक्विड लेंस भी हेल्प कर रहा होता है, और इसके अलावा कॉर्निया जो है दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन फोकसिंग द इमेज एट दिस पॉइंट। अच्छा, जब यहाँ पर जो है इमेज इज फोकस्ड, दे विल हिट द लाइट रेज, दे विल हिट दिस पॉइंट, ठीक है, जब इसको हिट करेंगे तो इसमें जो है फोटो सेंसिटिव सेल्स एक्टिवेट होंगे, दे विल ट्रांसमिट इम्पल्सेस यहाँ से, ठीक है, एंड दोज इम्पल्सेस विल बी सेंट टू द ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व्स, ऑप्टिक नर्व्स, एंड देन ब्रेन जो है वो बेटा आपको मैसेज देगा कि जो आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं हाउ इज दिस। अच्छा, इमेज जब बनता है इनटू द माइंड और इनटू द ब्रेन वो कैसा होता है वो भी हम देखते हैं। ठीक है, ये देखें। अच्छा, एक चीज बेटा आपने और भी देखना है कि जब लाइट रेज काफी लॉन्गर डिस्टेंस से आ रही होती है, व्हेन दे आर कमिंग फ्रॉम द लॉन्गर डिस्टेंस तो दे आर मोस्टली पैरेलल, ठीक है, जब वो शॉर्टर डिस्टेंस से लाइट रेज आ रही होती है आफ्टर हिटिंग द ऑब्जेक्ट तो वो पैरेलल नहीं होते, वो क्या होते हैं, वो डाइवर्ज होती हैं, यूं, ठीक है, डाइवर्ज होती हैं, देन दे कन्वर्ज एट रेटिना, रेटिना के ऊपर भी, फोविया के ऊपर आप देखें कि लाइट रेज जो है वो मीट कर रही हैं और इमेज यहां पर बनेगा। अच्छा, इमेज जो है अच्छा वैसे हम देख लेते हैं, जो बेटा इमेज बनता है इनटू द माइंड, एक तो वो ये देखें, ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं इमेज जो है दैट इज अपसाइड डाउन, जब भी हम कोई चीज देखते हैं तो उसका हमारे माइंड में जो इमेज बनता है दैट इज अपसाइड डाउन, ठीक है, और दूसरा जो है दैट इज स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू द एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर भी होता है, अपसाइड डाउन भी होता है, और वो रियर भी होता है, उल्टा होता है, ठीक है, देन उसको हमारा माइंड जो है वो बेटा आइडेंटिफाई करता है, देन और माइंड लेट, ठीक है, माइंड जो है दैट लेट्स अस नो कि जो ऑब्जेक्ट है दिस इज नॉट लाइक दिस, ठीक है, अपसाइड डाउन नहीं है ऑब्जेक्ट, इस तरह है, और इसका एग्जैक्ट साइज भी जो है वो माइंड बताता है, जो इमेज बनता है दैट इज रियर अपसाइड डाउन, ठीक है, और स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू द एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, यहां तक बेटा कोई इश्यू, एनी प्रॉब्लम अप टिल नाउ? चले, ठीक है, अब जो है हम दूसरा देखते हैं इससे रिलेटेड डिजीजेस, एक तो हमने कलर ब्लाइंडनेस देखी थी, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस के अलावा हमने नाइट ब्लाइंडनेस देखी है विच इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ रोड्स और विटामिन ए और रोडोप्सिन, और जो हमने कलर ब्लाइंडनेस देखी है दैट इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ कॉर्न्स, या अगर वो पिगमेंट नहीं सिंथेसाइज कर रहे आई डॉप्शन तो उसकी वजह से भी हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा जो है बेटा देयर इज वन नियर साइटनेस जिसको हम मायोपिया भी बोलते हैं। नियर साइटनेस में क्या होता है, वी हैव डिफिकल्टी इन सीइंग द फार ऑब्जेक्ट्स। आप देखिए छोटे बच्चों को जो ग्लासेस लगी होती है दे नॉट एबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वो जो है इसकी वजह से होता है। अब इसके इसमें होता है क्या है बेटा, इसमें जो है या तो आईबॉल बड़ा हो जाता है, ठीक है, आईबॉल कम, वैसे लेंस जो है वो क्या हो जाता है, लेंस छोटा हो जाता है। अच्छा, अब जब लेंस छोटा हो जाता है तो इमेज इज नॉट एक्चुअली फोकस्ड एट दिस, लाइट रेज जो है, ठीक है, वो बेटा फोवा के ऊपर आप देखें
नहीं मिल रही होती, दे आर नॉट एक्चुअली फोकस्ड एट फोवा, दे डू नॉट कन्वर्ज एट फोवा, फोवा के ऊपर हम, ठीक है, फोवा के ऊपर कन्वर्ज नहीं होती है, आप देखें उससे पहले हो रही है, यहां पर हो रही है, यहां पर मीट करती है लाइट रेज। अच्छा, यहां पर जब मीट करती है तो इमेज जो है दैट इज नॉट फॉर्म्ड, या जो इमेज बनता है वो ब्लर बनता है। वाई? बिकॉज आईसाइट, इसमें लेंस जो है वो बेटा बड़ा हो जाता है, ठीक है, उसकी वजह से जो है इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, इट इज नॉट एक्चुअली फॉर्म्ड एट रेटिना। यहां पर जो है इमेज लाइट रेज नहीं बनती, ठीक है, वो मीट कर रही है, काफी पहले मीट कर रही है यहाँ पे, जिसकी वजह से इमेज आप देखें बेटा यहाँ पर बन रहा है, और इमेज एक्चुअली हैज टू बी फॉर्म्ड एट दिस रेटिना, यहाँ पर बनना था इमेज, ठीक है, आप देखिए ये रेटिना से आगे इमेज बन रहा है, इट इज बीइंग फॉर्म्ड एट दिस पॉइंट। अच्छा, ये होता है इसमें, और इसको हम रेक्टिफाई या क्योर कैसे करते हैं, दिस इज रेक्टिफाइड बाय यूजिंग कनकेव लेंस। जो हमने ग्लासेस लगाई होती हैं, ठीक है, दूर देखने के लिए, उसमें जो ग्लास यूज किया जाता है, ठीक है, उसमें कौन सा होता है ग्लास, लेंस जो होता है दैट इज एक्चुअली द कनकेव लेंस, ये दिस इज कनकेव, ठीक है, दिस इज कनकेव, और ये जो होता है दिस इज कन्वेक्स। जो नेचुरल लेंस है हमारे आई का दैट इज एक्चुअली बाय कन्वेक्स लेंस, वो ये वाला होता है, ठीक है। अच्छा, अब जो है अगर हमें मायोपिया को ट्रीट करना है फॉर फार ऑब्जेक्ट्स, तो उस केस में आप देखें ये वाला लेंस यूज होता है, जो हमने ग्लासेस लगाई होती हैं उसमें ये होता है बाय, ठीक है, बाय जो है इसमें कनकेव लेंस, ये वाला कनकेव लेंस यूज होता है। अच्छा, और ये जो कनकेव लेंस की थिकनेस होती है दैट डिपेंड्स ऑन आवर आई साइट, जितनी हमारी आई साइट ज्यादा होती है उतनी इसकी थिकनेस होती है। अब ये थिकनेस क्या करेगी, थिकनेस आप देखें कि बेटा इमेज जो है वो यहाँ लाइट रेज देखें अब यहाँ पर मीट हो रही है, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर मीट होंगी तो देयर इज पॉसिबिलिटी की जो इमेज है वो यहाँ पर बन जाएगा। हमने इमेज को बनाना है किसके ऊपर, रेटिना के ऊपर, तो दिस डिपेंड्स ऑन और आई साइट की इमेज यहाँ पर बन रहा है, तो लाइट रेस कितनी बेंड होनी चाहिए सो दैट द इमेज शुड बी फॉर्म्ड ऑन टू द रेटिना, तो उसके अकॉर्डिंगली जो ये थिकनेस होती है बाय कनकेव लेंस की वो वेरी करती है। अच्छा, अब बाय कनकेव लेंस क्या होता है, दिस इज एक्चुअली द डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। अच्छा, डाइवर्जिंग का मतलब इसने क्या करना होता है, इसने लाइट रेज को थोड़ा सा डाइवर्ज करना होता है, स्कैटर करना होता है, इस तरह करना होता है, ठीक है। जब ये इस तरह हो जाएंगी तो दे विल देन हिट द लेंस, और लेंस फिर इमेज बना लेगा कहां पर, रेटिना के ऊपर, थोड़ी सी ये बेंड हो जाएंगी। आप देखें पहले जो था, फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर लाइट रेज मीट कर रही थी विदाउट ग्लासेस, ठीक है, तो ये मे बी यहां पर मीट कर रही थी एट दिस पॉइंट। अब जब हम ग्लासेस यूज करेंगे विच विल हैव द बाय कनकेव लेंस, वो क्या करेगा, इट विल डाइवर्ज द लाइट रेज, ठीक है, फर्दर जो है लेंस उसको कन्वर्ज कर देगा एंड दे विल मीट एट द रेटिना। इस तरह एक रेक्टिफाई होता है। दूसरी आप देखें बेटा, दिस इज नोन एज द हाइपरोपिया, या इसको फार साइटनेस भी बोलते हैं। इसमें जो पीपल हैं दे नॉट एबल टू सी द नियर ऑब्जेक्ट्स, और ये 40 के बाद आपने देखा होगा जो हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स हैं दे यूज ग्लासेस फॉर रीडिंग बिकॉज दे नॉट एबल टू सी द नियर ऑब्जेक्ट्स। इसमें क्या होता है, इसमें जो इमेज बनता है दैट इज फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना। इसमें आप देखें इमेज कहाँ पे बन रहा है, ये रेटिना से पीछे जा रहा है, दिस इज द रेटिना, यहां पर इमेज बनना था और ये एक्सीड कर रहा है, दिस इज एक्चुअली बीइंग फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना एंड दिस इज रेक्टिफाइड बाय कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या है, दिस इज द कन्वर्जेंट, दिस इज कन्वर्जिंग लेंस, ये क्या करता है, बेंड करता है लाइट रेज को। अच्छा, अब हम इसको कैसे यूज करेंगे, कन्वेक्स आप देखें इसने ये देखें दिस इज अ कन्वेक्स लेंस, इसने बेटा लाइट रेज को पहले कुछ बेंड कर दिया, फर्दर जो है दे आर बेंड बाय द नेचुरल लेंस और इमेज जो है दैट इज फॉर्म्ड एट द रेटिना। थोड़ा सा इसने बेंड किया, फर्दर इट विल बी बेंड बाय द नेचुरल लेंस एंड इमेज विल बी फोकस्ड एट द रेटिना, ठीक है। दिस वॉज अबाउट द आईज, ओके, ठीक है, वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। कोई प्रॉब्लम बेटा आपको,
ठीक है, एनी इश्यू और इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, चलें। गुड, थैंक यू बेटा। ठीक है, हमने आई को रिवाइज कर लिया है, अब हम चलते हैं बेटा इसकी तरफ। अब हम करते हैं इसके कुछ रिलेटेड पेपर करते हैं। चले अब बेटा हम इसका पेपर टू करते हैं। दिस इज यस, होप सो दिस इज विजिबल। चले बेटा, इसमें आप देखें फिगर 4.1 शोज अ हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है बेटा, दिस शोज द सेक्शन ऑफ द ह्यूमन आई, हॉरिजॉन्टल सेक्शन इज ऑफ द ह्यूमन आई एंड द पाथवे टेकन बाय द लाइट रेज एज दे लीव एन ऑब्जेक्ट आफ्टर हिटिंग द ऑब्जेक्ट। ये देखें, ठीक है, लाइट रेज जो है दे हैव टू एंटर द आई, कंप्लीट द डायग्राम बाय कंटिन्यूइंग लाइंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू शो हाउ द लाइट रेज प्रोड्यूस अ फोकस्ड इमेज ऑन द रेटिना। अच्छा, इसका जो है हमने किस तरह करना है, दिस इज फॉर 3 मार्क्स, राइट। चलें अब हम इसको देखते हैं कि हमने इसको अटेम्प्ट किस तरह करना है। चलें, जब तक बेटा ये कॉर्निया को लाइट रेज हिट नहीं करेंगी, दे विल बी पैरेलल। तो हमने क्या करना है, यूजिंग अ स्केल हम पैरेलल लाइट जो है लाइट रेज हम पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे। ये देखें, दिस विल बी द पैरेलल, बिल्कुल स्ट्रेट हम ड्रॉ करेंगे अंटिल दे हिट द कॉर्निया, यहां तक कॉर्निया तक यूजिंग अ स्केल हम ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद फर्दर जो है पैरेलल लाइंस का वी विल गेट 1 मार्क। अच्छा, इसके बाद फर्दर हमें इसको बेटा क्या करना है, ये बेंट होंगी लाइट रेस और अच्छा आगे जब व्हेन दे विल हिट द कॉर्निया, तो कॉर्निया के बाद हम इसको स्लाइटली थोड़ा सा बेंट करेंगे। ठीक है, ज्यादा हो गया है, थोड़ा सा हम इसको बेंट करेंगे। अच्छा, इसके बाद फर्दर जो है लेंस क्या करेगा, लेंस बेटा अकोमोडेशन करेगा। अकोमोडेशन इज एक्चुअली या फोकसिंग करेगा, फोकसिंग और अकोमोडेशन इज एक्चुअली कन्वर्जिंग द लाइट रेज एट दिस फोविया और एट दिस रेटिना। ये वाला जो डिप्रेशन है, ठीक है, दिस इज अ येलो स्पॉट और दिस इज अ फोविया, वी हैव डिस्कस्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ द आई। अच्छा, लेंस में फर्दर इसको क्या करना है, फर्दर लाइट रेज को बेंड करना है और लाइट रेज मीट होंगी। ठीक है, इसको हम स्ट्रेट ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। फर्दर जो है ये बेटा जाएंगे यहां तक, ठीक है, फर्दर यूजिंग स्केल हम यहीं से ही स्टार्ट करेंगे जहां से ये कन्वर्ज हो रही है और यहां पर हमने इमेज जो है वो फोकस करना है। ठीक है, इसको हम यहीं से ही स्ट्रेट ले लेंगे। अच्छा, आप देख लेना बेटा एग्जैक्टली हमने इसी पॉइंट से स्टार्ट करना है और इसको भी हमने इस पॉइंट से स्टार्ट करना है, तो इसको हम रेज कर देते हैं। ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे इट शुड बी लाइक दिस। अच्छा, इसको बेटा ये जो है दे शुड मीट बिफोर द रेटिना, पहले मीट करने चाहिए और इमेज जो है दैट शुड बी फॉर्म्ड। इमेज कहां पर बनना चाहिए, इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट द रेटिना, यहां पर इमेज बनना चाहिए, इट शुड बी फोकस्ड ऑन द रेटिना। अच्छा, अब इसमें आप देखें जो लाइट रेज हैं दे आर पैरेलल बिफोर हिटिंग द कॉर्निया, सो 1 मार्क विल बी फॉर दिस। इसके बाद हमने थोड़े से यहाँ पर लाइट रेज को क्या किया, बेंड किया, कन्वर्ज किया, वी विल गेट अनदर मार्क फॉर कन्वर्जिंग द लाइट रेज हेयर बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस। उसके बाद फर्दर आप देखें लाइट रेज आर मीटिंग कन्वर्ज्ड बाय द लेंस, फर्दर आप देखें, ठीक है, बेंड हुई है लाइट रेज एंड दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट, सो अगेन जो है कन्वर्जिंग और मीटिंग द लाइन, कन्वर्जिंग द लाइन बिफोर रेटिना another mark, और इमेज आप देखें इसमें इट इज बींग फॉर्म्ड एट द रेटिना, तो अगेन वी विल गेट एन अदर मार्क। तो 4 मार्क्स के लिए हमने बेटा इसको इस तरह ड्रॉ करना है। दिस इज हाउ द लाइट रेज ट्रेवल थ्रू द आई फॉर फॉर्मिंग द इमेज। ठीक है, 3 मार्क्स हमारे यहाँ पर हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट अब आप देखें स्टेट हाउ द अपेयरेंस ऑफ द पीपल इन द आई विल चेंज वेन अ पर्सन मूव्स फ्रॉम डिम लाइट इन टू द ब्राइट लाइट।
डिम से जब हम ब्राइट में जाएंगे तो हाउ विल द साइज ऑफ द प्यूपिल चेंज? प्यूपिल क्या है? प्यूपिल इज एक्चुअली बेटा दिस होल विच इज प्रेजेंट बिटवीन द आयरिस, ये जो ग्रे पार्ट है इसके बीच में ये वाला जितना भी पार्ट है, दिस होल इज द प्यूपिल। अब ये प्यूपिल कैसे चेंज होगा, इसका साइज यहाँ पे हम दोबारा कर लेते हैं। प्यूपिल जो है अच्छा पीपल आप देखें, एक डिम लाइट में इसके साथ बेटा क्या होता है, डिम लाइट में ये मैक्सिमम ब्रॉड होता है, मैक्सिमम ब्रॉड होता है, ठीक है। ब्रॉड कर लें, लार्जर इन साइज कर लें, मोर डायमीटर आप इसका कर लें, रीजन टू अलाउ मोर लाइट। अच्छा अब जब ये ब्रॉड होगा तो उसमें क्या होगा, दिस इज द पीपल, ठीक है। ये इसका सेंटर में आप देखिए बेटा, दिस इज द होल, इसके अंदर ये जो है दीज आर द रेडियल मसल्स। अच्छा अब हमें क्या करना है, पीपल को बड़ा करना है। पीपल मीन्स के ये जो सेंट्रल होल है दिस वन, इसको हमने इंक्रीज करना है। इसको इंक्रीज करने के लिए ये जो ब्लू है दीज आर द रेडियल मसल्स, लास्ट क्लास में हमने इसको किया था, जिन बच्चों ने मिस किया है मैं उनके लिए रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा ये जो है बेटा दीज आर द रेडियल मसल्स, ये जो ब्लू है दीज आर रेडियल मसल्स। अच्छा इसी तरह जो है अलोंग द सर्कल आपको जो है सर्कुलर मसल्स भी मिलते हैं, लेट्स ड्रॉ लिटिल थिनर, यहां पर आप देखें अलोंग द सर्कमफेरेंस जो इस तरह के मसल्स होते हैं दीज आर द सर्कुलर मसल्स, सर्कुलर मसल्स। एक फिनोमेना हम देखते हैं, दूसरा जो है वो ऑपोजिट होगा, दीज आर द सर्कुलर मसल्स और ये जो है बेटा अलोंग द रेडियस दीज आर द रेडियल मसल्स। जब एक मसल बेटा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इट बिकम्स शॉर्टर इन लेंथ, लेट्स यूज अनदर कलर, यहाँ पर जो है व्हेन इट विल कॉन्ट्रैक्ट ये बेटा क्या हो जाएगा, इट विल बिकम शॉर्टर इन लेंथ, ये छोटा हो जाएगा साइज में, ठीक है। अच्छा अभी जब साइज में छोटा होगा तो प्यूपल का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब है जब हमें प्यूपल का साइज बड़ा करना है तो रेडियल मसल्स क्या करेंगे, रेडियल मसल्स आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन आर, ठीक है, एम रेडियल मसल्स दे विल कॉन्ट्रैक्ट, होप सो यू विल अंडरस्टैंड दिस। अच्छा दूसरे जो मसल है दे आर द सर्कुलर मसल्स, सर्कुलर मसल्स यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सर्कुलर मसल्स बेटा क्या करेंगे, दे विल रिलैक्स, ये रिलैक्स करेंगे। और पीपल का साइज क्या हो जाएगा, इट विल बिकम ब्रॉड, डिम लाइट में पीपल विल बिकम ब्रॉड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रेडियल मसल्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ द सर्कुलर मसल्स। और ब्राइट लाइट में क्या हो जाएगा, पीपल का साइज छोटा हो जाएगा टू प्रिवेंट द एक्स्ट्रा और मोर लाइट फ्रॉम एंट्रिंग इन टू द आई, ठीक है। तो उस केस में अब आप देखें कि स्टेट हाउ द अपेरेंस ऑफ द पीपल इन द आई विल चेंज व्हेन अ पर्सन मूव्स फ्रॉम द डिम लाइट into an area of bright light. Dim light में हमने सिचुएशन देख ली है, हम ब्राइट लाइट में देखते हैं, ब्राइट लाइट में क्या होगा, इट विल बिकम स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन डायमीटर लिख दें आप, साइज लिख दें, दोनों जो है एक्सेप्टेड है, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ दिस चेंज इज ब्रॉट अबाउट बाय द स्ट्रक्चर इन द आईज, ठीक है। ये जो है ये अभी हमने मसल्स किया था, इसका हम देखते हैं ये कब होगा, इस टाइम पर जो बेटा रेडियल मसल्स हैं, यू हैव टू डिस्कस अबाउट द, अच्छा ये हम 5 मार्क्स के लिए ही क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, समटाइम्स ये 5 मार्क्स का आता तो इट विल हेल्प अस व्हाइल वी विल अटेम्प्ट दिस फॉर 5 मार्क्स। इसमें हमें बेटा बताना है रेडियल मसल्स ऑफ आयरिस, आयरिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिखना लाजमी है। अच्छा रेडियल मसल्स जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, दीज विल गिव अस द मार्क्स, एंड पे हम करते हैं रेडियल मसल्स ऑफ आयरिस, आयरिस। अच्छा इसी तरह सर्कुलर, सर्कुलर मसल्स ऑफ आयरिस, वंस वी हैव रिटन द आयरिस दैट इज सफिशियंट, आयरिस, ठीक है। सर्कुलर मसल्स, रेडियल मसल्स एंड द साइज ऑफ द पीपल, साइज लिख लें, डायमीटर लिख लें, थिकनेस लिख लें, डायमीटर और साइज आर मच बेटर, ठीक है। डायमीटर ऑफ
अच्छा, जब रेडियल मसल्स, बेटा रेडियल मसल्स क्या करेंगे और सर्कुलर क्या करेंगे, रेडियल मसल्स विल रिलैक्स, वी हैव टू लर्न दिस फिनोमेना। और ये टेबल में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में शो किया था, दैट टेबल इज विल बी इजी फॉर यू टू लर्न। दूसरा, सर्कुलर मसल्स यहाँ पे क्या करेंगे, दे विल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और साइज ऑफ द पीपल क्या होगा, इट विल डिक्रीज, बिकम स्मॉलर। अब इसको जो है, इसके बेटा मार्किंग किस तरह होती है, आप देखें, फॉर थ्री मार्क्स थ्री लाइंस आर सफिशिएंट, और ये सारे हमारे पॉइंट्स हो गए। समटाइम्स दीज विल बी मार्क्ड फॉर फोर मार्क्स या फाइव मार्क्स। तो इसमें आपने कैसे करना होता है, फॉर फोर और फाइव मार्क्स, इसमें आप देखें, रेडियल मसल्स, रेडियल मसल्स, अच्छा, इफ यू आर गोइंग टू राइट डाउन बेटा रेडियल मसल्स, यहां पर अगर हम रेडियल मसल्स लिखेंगे तो रेडियल मसल्स का एक मार्क है, आयरिस मसल्स ऑफ आयरिस, आयरिस का एक मार्क है, ठीक है, और रिलैक्स का जो है एक मार्क है। अब आप देखिए, रेडियल मसल्स एक नंबर, आयरिस यहीं पर हम मार्किंग कर लेते हैं, दोबारा नीचे नहीं करेंगे, टू मार्क्स हो गए, एंड दे रिलैक्स, इसका मतलब है थ्री मार्क्स हो गए। अच्छा, इसके बाद देखें सर्कुलर मसल्स, सर्कुलर मसल्स ये हमें फोर मार्क्स देंगे, आयरिस का यहाँ पर दोबारा नहीं होगा, दे विल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये हमें फिफ्थ मार्क देंगे, ठीक है, एंड डायमीटर ऑफ द पीपल ओवरऑल एक ही हमें ये नंबर देता है, डिक्रीजेस, दिस इज फॉर द सिक्स्थ मार्क, याद देखें, ठीक है। तो ये बेटा सिक्स मार्क्स के लिए भी अगर हमें क्वेश्चन आता है तो वी कैन अटेम्प्ट इन दिस वे, इस तरह मार्किंग होती है, बट अगेन फॉर टू मार्क्स भी हमने क्या करना है, वी हैव टू राइट डाउन All these points, जितने भी points हैं, ये हमने करने हैं। Opposite जो है, it happens in the bright light, वो already हमने यहाँ पर discuss कर लिया था, ठीक है। चलें, अब हम next बेटा part की तरफ चलते हैं। The change in the appearance of the people when entering an area of bright light is a reflex action, ठीक है। Bright light में आप देखें, जब हम enter होते हैं dim से bright में, आप रूम से एकदम ब्राइट लाइट में जाए तो आपका पीपल क्या हो जाता है, या आईज क्या हो जाती है, बिल्कुल स्मॉलर हो जाती हैं, स्क्विंट हो जाती हैं, या उसमें जो है आप पीपल जो है साइज बिकम्स स्मॉलर। पीपल का साइज स्मॉलर क्यों होता है, टू अलाउ लेस लाइट टू एंटर, विच विल प्रिवेंट और फोटो सेंसिटिव सेल्स फ्रॉम बींग डैमेज्ड, ठीक है। तो दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन हमने लास्ट क्लास में उसमें किया था, कोऑर्डिनेशन में रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, दैट इज द ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री कंट्रोल विच इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ योर विल, आप उसको खुद कंट्रोल नहीं कर रहे होते बेटा, दैट इज एक्चुअली द ऑटोमेटिक, ठीक है। दिस इज एक्चुअली फास्ट, ये फास्ट होता है, फास्ट की जगह आप यू कैन राइट डाउन दिस इज क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है। रैपिड भी आप यहाँ पे वर्ड लिख सकते हैं, दिस इज द रैपिड, फास्ट और क्विक है, अच्छा एक नंबर हो जाएगा इसका। दूसरा आप देखें, क्विक रिस्पॉन्स भी आप लिखें, ठीक है। रिस्पॉन्स टू किसको होता है, रिस्पॉन्स टू लाइट, ब्राइट लाइट आप लिखते हैं तो इट्स बेटर, ठीक है। रिस्पॉन्स टू ब्राइट लाइट, या आप दूसरा इसके साथ लिखें, दिस इज ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, ठीक है। ऑटोमेटिक के अलावा इनवॉलेंट्री, दिस इज इनवॉलेंट्री आर दोज विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ योर विल, इनवॉलेंट्री, राइट, ठीक है। इसमें बेटा फास्ट क्विक इसका आपको नंबर मिलेगा, ऑटोमेटिक का अलग आपको नंबर मिलेगा, और इनवॉलेंट्री का अलग मिलेगा, दिस इज फॉर टू मार्क्स। लेट सी द लास्ट पार्ट, जस्ट वाई ड्रग्स That prevent this reflex action from occurring should be avoided. अच्छा आप देखें, अगर बेटा आप ये वाले ड्रग्स लेंगे विच प्रिवेंट दिस रिफ्लेक्स एक्शन फ्रॉम अकरिंग, तो इसका मतलब है कि क्या होगा, आपका पीपल जो है वो कंस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, इट विल नॉट बिकम स्मॉलर इन साइज। अगर वो स्मॉलर नहीं होगा तो मोर लाइट विल एंटर एंड इट विल डैमेज योर फोटो सेंसिटिव सेल्स और इट विल डैमेज योर रोड्स एंड कॉन्स। सो वाई द ड्रग्स विच प्रिवेंट दिस actions should be avoided, yes, any one of you would like to answer, they should be avoided, theek hai, to prevent, drugs that prevent this reflex action should be avoided, theek hai, they should be avoided to
टू प्रिवेंट टू मच लाइट फ्रॉम एंट्रिंग इन टू आई। ठीक है, अच्छा टू मच लाइट और फिर दूसरा क्या होगा, टू प्रिवेंट टू अलाउ कंस्ट्रिक्शन ऑफ पीपल। ठीक है, और ये क्यों होगा, टू दिस विल बी टू प्रिवेंट डैमेज डैमेज ऑफ रोड्स एंड कॉन्स लिख लें, सेपरेट कर लें। ठीक है, कॉन्स एंड रोड्स, या आप फोटो सेंसिटिव सेल्स लिख दें कलेक्टिव, राइट। सो दीज आर द थ्री पॉइंट्स व्हिच यू कैन राइट डाउन व्हाई दीज ड्रग्स शुड बी अवॉइडेड टू prevent too much, right, to prevent too much light from entering into the eye, right, and to allow constriction of the pupil and to prevent the damage of the cones and rods, these drugs should be avoided, right. So ye beta jo hai ek humne question iska solve kar liya hai, baki hum past paper session mein karenge. Koi problem ho beta aapko, aap puch sakte hain, koi suggestion aapne dena ho, feedback dena ho to you can give. Yes beta, please let me know through a text message in the chat box. Any problem? Chale, thank you beta, thank you for being the part of the live session. Theek hai, jinhone late join kiya tha, they can see in the recordings, playbacks, aap beta recordings mein aap dekh lena, theek hai, jo aapka part miss hua hai. And thank you for being regular in my classes, Abdul Wahab, right, Naima, Romesa, right, you are the regular, and thank you so much for taking the classes on time. I'm going to sign out now. Take care, beta. Allah Hafiz.